नमस्कार दोस्तों, हेल्थ एंड केयर कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत। हेल्थ एंड केयर कार्यक्रम में हम आपको आपके ही शहर के किसी भी एक चिकित्सक से मिलवाते हैं और बात करते हैं किसी एक खास बीमारी के बारे में या एक खास थेरेपी के बारे में। गर्मियां आते ही जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा हम लोग परेशान होते हैं वो है डायरिया। आज हमने अपने स्टूडियो में डायरिया पे बात करने के लिए और इसी के साथ जॉइंटिस पर, पीलिया रोग पर बात करने के लिए अपने स्टूडियो में हमने डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा जी को आमंत्रित किया है, जो हमको डायरिया से बचाव और इसके कारणों के बारे में बताएंगे। डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा गंगाचरण अस्पताल में फिजिशियन के पद पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। गर्मी आते ही डायरिया जो होता है उससे हम सभी लोग बड़े त्रस्त रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फैलता है। आखिर क्या कारण है कि डायरिया गर्मियों में अपना प्रकोप दिखाता है? अगर हमारा जो हम लोग जो रहते हैं, जो ट्रॉपिकल कंट्री है, इसमें मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। गर्मियों में जितने वायरसेज और बैक्टीरिया जो होते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। और ये वायरसेज बैक्टीरिया जो गंदी जगह होती है वहाँ ज़्यादा होते हैं, कॉमन होते हैं, जैसे पानी में, सीवेज में, कूड़े का ढेर लगा हुआ है वहाँ पे। जी, तो यही वजह है कि जब बैक्टीरिया पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, वायरस का पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, तो ये सब बीमारियाँ बढ़ेंगी। अच्छा, डायरिया होता क्यों है, क्या कारण है? डायरिया का मेन कारण ये होता है कि जैसे नॉर्मल आते जो होती हैं, इंटेस्टाइन जो होती है हम लोगों की, नॉर्मल सीक्रेशंस होते हैं, वो अब्जॉर्ब हो गए। बट जब ये डायरिया होता है तो ये सीक्रेशंस ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं और जो आंतों की एक नॉर्मल मूवमेंट होता है वो मूवमेंट बढ़ जाता है, मूवमेंट बढ़ता है और सीक्रेशंस बढ़ जाते हैं, तो वो फीकल रूट से बाहर आते हैं, ठीक है। तो यही मेन रीजन होता है। मेन रीजन ये कि डायरिया में सीक्रेशंस बढ़ जाते हैं आंतों में, इंटेस्टाइनल आंतों सीक्रेशंस तो बढ़ जाते हैं। अच्छा, डायरिया जो है हमको तो लगता है कि दस्त आए या पेचिश हो गई या पेट खराब हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि डायरिया शायद कई प्रकार का होता है। थोड़ा हम लोगों बताएं कि डायरिया कितने प्रकार का होता है। देखिए, डायरिया कई तरह का होता है। पहले तो हम ये कहें कि प्रेजेंटेशन मरीज का किस तरह से हो सकता है डायरिया का, जी, ठीक है। उसके बाद हम उसके कॉजेज बात करें, क्या कॉजेज होते हैं। डायरिया का प्रेजेंटेशन आदमी दो तरह से कर सकता है, एक एक्यूट डायरिया होता है, एक परसिस्टेंट डायरिया होता है, एक क्रोनिक डायरिया होता है, जी, जो क्लिनिकली हम लोग देखते हैं। हम लोग जो ज़्यादा कंसर्न होता है यहाँ पे क्लिनिक्स में या डे टू डे लाइफ में या गर्मियों में, जो आप बात कर रहे हैं जिस डायरिया की आप बात कर, गर्मियों में ज़्यादा होता है, वो एक्यूट डायरिया ज़्यादा होता है। एक्यूट डायरिया को हम लोग क्लासीफाई करते हैं कि लेस देन 14 डेज की कंडीशन है, अगर हिस्ट्री उसकी ना 14 दिन से कम की है, 14 डेज से कम की है, तो उसे एक्यूट डायरिया कहते हैं। और 14 से 30 दिन तक के बीच में कोई प्रेजेंटेशन है कि इतना पुराना डायरिया है, तो उसे परसिस्टेंट डायरिया हम लोग कह देते हैं। मोर देन 6 वीक्स हो जाता है तो हम उसे क्रोनिक डायरिया कह देते हैं। जी जी, ठीक है। तो इसकी सबकी इटियोलॉजी अलग अलग होती है। अब जैसे एक्यूट डायरिया हम लोग कंसर्न ज्यादा एक्यूट डायरिया से यहाँ पे, तो एक्यूट डायरिया के बारे में हम लोग जो कॉजेज रखते हैं उसमें जो मेन कॉजेज आते हैं उसमें, एक तो इन्फेक्टिव कॉजेज होते हैं, दूसरा इन्फ्लेमेटरी कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है। थर्ड वन ड्रग इंड्यूस हो सकता है, कुछ दवाइयाँ भी होती हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ पेस्टिसाइड्स होते हैं, कुछ आर्गन, कुछ जो पॉइजन्स वगैरह होते हैं उनसे भी डायरिया हो जाता है। अच्छा, ये मेन चीज़ें होती है। अच्छा, तो जो हमारे अंदर वायरसेस होते हैं, जो बैक्टीरिया जाता है, वो किस तरह से डायरिया को प्रभावित करता है? मेन चीज़ ये कि जो हम लोग बात कर रहे हैं वो इन्फेक्टिव डायरिया की बात कर रहे हैं, तो इन्फेक्टिव डायरिया में वायरस भी डायरिया हो सकता है, बैक्टीरिया से भी डायरिया हो सकता है। अच्छा, एक्यूट डायरिया जो होता है, तो जो कॉमनेस्ट गर्मियों में जो देखने को मिलता है वो वायरल डायरिया ज़्यादा होता है। अच्छा, ठीक है। तो ये वायरसेस होते क्या है कि हमने कुछ खाना खाया, आपने कोई रखा हुआ खाना खा लिया जिसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट थे या वायरस प्रेजेंट थे, या हमने पानी पी लिया, पानी पिया जो कंटेमिनेटेड था वायरस या बैक्टीरिया से, या हमने कोई ऐसा सब्सटेंस लिया जिसमें उसके टॉक्सिन्स मौजूद थे, ठीक है, वो हमने इंजेस्ट कर लिया, तो ये क्या करते जाके जो हमारी इंटेस्टाइन होती है वहाँ पे जाके केमिकल रिएक्शंस करते हैं ये, ठीक है। वहाँ पे कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होती हैं जिससे कि कुछ केमिकल्स बनते हैं और वो केमिकल बन के क्या करते हैं, जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा होती है उसको स्टिमुलेट करते हैं, और जब वो स्टिमुलेशन होता है तो उसमें आंतों का मूवमेंट बढ़ जाता है, ठीक है, इंटेस्टाइनल मूवमेंट बढ़ जाएगा और सीक्रेशन बढ़ जाएंगे जो कि डायरिया के फॉर्म में प्रेजेंट करेगा फिर। अच्छा, अब डायरिया जैसे हो गया तो किन चीज़ों का हमको शुरू में ही ध्यान रखना चाहिए? कि डायरिया हो गया तो दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहले तो फर्स्ट चीज़ तो यह है कि ये डायरिया हाईली कम्युनिकेबल होते हैं, जो कि हम आज जो जिस डायरिया की हम लोग बात कर रहे हैं कि वायरल डायरिया है, जैसे बहुत ही कम्युनिकेबल होता है, मतलब
इसका अगर फीकल मैटर है किसी किसी कॉन्टेक्ट में आ जाता है घर में किसी के, तो मान लो वो कंटेमिनेटेड बटर कंटेमिनेट कर दिया उसने या फूड कंटेमिनेट कर दिया, तो और घर वालों को भी हो जाएगा जी। तो एक तो एक आइसोलेशन करना चाहिए मरीज का जिसको डायरिया है, थोड़ा अलग रखें मरीज को, उसकी चीजें भी अलग रखें, उसके जो फीकल मैटर है उससे थोड़ा दूर रखें उसको जी, कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए उसका जी। दूसरा हमको डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करना है, इसमें डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। अगर डिहाइड्रेशन हो गया तो बॉडी के और जो वाइटल ऑर्गन्स वो इफेक्टेड होंगे, जैसे किडनी है, किडनी बहुत सेंसिटिव होती है, किडनी इफेक्टेड हो गई तो यूरिन कम हो जाएगा, यूरिन कम होगा तो मल्टीपल प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे ठीक है। और दूसरा ब्लड प्रेशर फॉल होगा डिहाइड्रेशन होगा, ब्लड प्रेशर फॉल होगा किडनी का प्रोफ्यूजन हार्ट का प्रोफ्यूजन कम होगा तो और मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो जाएंगे ठीक है। यानी कि डिहाइड्रेशन उसे डिहाइड्रेशन नहीं होना देना, पानी उसे पिलाते रहे, पानी तो नहीं पिलाना चाहिए बट कुछ सॉल्यूशंस बना रखे हैं डॉक्टरों ने वो पिलाने चाहिए, इलेक्ट्रॉल वगैरह, इलेक्ट्रॉल है, ORS है, पुनर्जल है, मार्केट में बहुत से आते हैं जी हाँ, वो नमक चीनी का घोल जिसे नमक चीनी का घोल जिसे सिंपल भाषा में नमक चीनी घोल कहते हैं, वो चीज यूज करनी चाहिए जी हाँ, सिंपल पानी नहीं देना चाहिए जी हाँ। अच्छा किस तरह का फूड इस समय लेना चाहिए? आप फूड तो थोड़ा हल्का ही लेना चाहिए, खिचड़ी वगैरह है, सॉफ्ट लिक्विड डाइट ही रखें तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ना आते हैं तो ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड होती हैं तो उनको ज्यादा अगर हार्ट फूड ले लेंगे तो वो प्रॉब्लम आती है उसमें। डॉक्टर साहब बताइए कि कुछ लोग डायरिया में फल भी खा लेते हैं, उन्हें लगता है कि फल जो है वो शायद बहुत हल्का होता है, लेकिन अगर ऐसे में कुक्ड फूड लिया जाए, पका हुआ खाना हल्का लिया जाए, कौन सा बेहतर रहेगा इसमें? वो मैं बेस्ट तो लिक्विड डाइट में जैसे मूंग की दाल है ठीक है, खिचड़ी है मूंग की दाल की, फूड में ले सकते हैं आप, सॉफ्ट फूड ले सकते हैं मैश करके, केला केला खा सकते हैं आप, या फ्रूट जूसेस ले सकते हैं, फ्रूट जूसेस तो बेटर रहते हैं, उसमें थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट्स भी मिल जाता है हम लोगों को और सॉल्ट वगैरह मिल जाता है तो वो बेटर रहता है, लेकिन वो भी मतलब बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए, फ्रेश होने चाहिए, रखे हुए नहीं होने चाहिए, बाजार के नहीं होने चाहिए। अच्छा अगर डायरिया हमारा बिगड़ गया तो किस तरह की देखभाल हमें अपने साथ करनी चाहिए? और डायरिया अगर बिगड़ गया है, कंट्रोल नहीं हो रहा है और बीपी डाउन हो गया है, डिहाइड्रेशन हो गया है, तो हॉस्पिटलाइज ही करना पड़ेगा आपको पेशेंट को, और वहीं पर बेटर मैनेजमेंट हो पाएगा, घर पे तो डिफिकल्ट है मैनेज करना फिर उसको, क्योंकि उसके बाद तो फ्लूड वगैरह चढ़ाना पड़ता है, सारे वाइटल ऑर्गन, सारे वाइटल फंक्शन, सारे किडनी वगैरह, हार्ट, ब्लड प्रेशर सभी मेंटेन करना, वो अस्पताल में ही हो सकता है फिर उसके लिए। उस समय हमें किन चीज़ों का और ध्यान रखना चाहिए अगर डायरिया बिगड़ गया है तो? बहुत ऐसा कोई खास ध्यान नहीं रखना, बस ये है कि जो फ्लूड लॉस हो गया उसको हम लोग रिप्लेस कर दें, जिससे कि उसके किडनी फंक्शन, जो पे किडनी फंक्शन काम करने होने लगे, किडनी काम करने लगे और ब्लड प्रेशर बढ़ जाए उसका। बेसिकली मेन ये कि परफ्यूजन वाइटल ऑर्गन्स को बना रहना चाहिए, मेन तो थेरेपी, फ्लूड थेरेपी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बाकी ड्रग्स वगैरह का या किसी खाने पीने से कोई कोई रोल नहीं है उसमें। अच्छा मतलब हम कुछ खा लेंगे, कोई खाना खा लेंगे या कोई दवाई खिला देंगे डॉक्टर साहब तो उससे इम्प्रूव कर जाए, ऐसा कुछ नहीं है, फ्लूड का बैलेंस रखते हुए आपको मैनेज करना है उसको। और ये वायरल डायरिया होता है ना, सेफ लिमिटेड डिजीज होती है, 3-4 दिन में अपने आप ही कंट्रोल हो जाता है, किसी दवाई की जरूरत नहीं रहती है इसमें। जैसे वायरल डायरिया की हम लोग गर्मियों में बात करते हैं उसमें, अच्छा अच्छा, उसमें कोई एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है, किसी एंटी डायरल की जरूरत नहीं है, केवल आप करना क्या है कि डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करना है, फ्लूड मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, इम्प्रूव कर जाएगा। मतलब दिन में अगर आप 10-12 बार जा रहे हैं तो घबराने वाली कोई बात नहीं है? घबराने वाली बात यह कि डिपेंड करे कितनी क्वांटिटी है, कितना फ्लूड लॉस हो रहा है उसमें जी। अगर फ्रूट सिग्निफिकेंट जा रहा है, अगर सिग्निफिकेंट अमाउंट में जितना फ्रूट लॉस हो रहा है उतना आप रिप्लेस कर रहे हैं ओरली। जैसे मान लो हम डायरिया में गए एक बार में 100 ml लॉस हो रहा है, 100 ml में ओरली रिप्लेस कर दिया, तो घबराने कोई बात नहीं, यानी कि आप बैलेंस कर लेते, बैलेंस कर लिया। अगर आपने मुंह से नहीं खा पा रहे हैं और डायरिया बार बार हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है। जैसे बहुत से मरीज होंगे गैस, जब डायरिया होता है तो वोमिटिंग भी साथ में होती है, उनसे कुछ खा नहीं पाते जी जी, तो उनके लिए फिर यही बेस्ट रहता है कि उनको आईवी फ्रूट दिया जाए ठीक है, ओरल तो वो नहीं ले पाएगा इतना, फिर इंट्रावीनस देना में ज़्यादा प्रॉब्लम। कुछ लोगों का पेट जैसे ही खराब होता है या एक दो लूज मोशंस हुए तो वो तुरंत अपने आप जाकर या मेडिकल स्टोर्स ने किसी ने बता दिया कि ये दवा खा लो तो वो खा लेते हैं, उसके बाद से होता ये है कि एकदम से पैक लग जाता है आपके, ना आप वायरस आपके अंदर है और वो हाँ बेसिकली जो काम नहीं कर पा रहा है और फ्लूड आपका पास नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? मार्केट में दो तरह की दवाएं लोग देते हैं जनरली, अपने आप लेके खाते हैं, एक तो एंटीबायोटिक दे देते हैं जी ठीक है, दूसरा एंटी डायरियल ड्रग्स होती हैं जो कि पैरालाइज कर देते हैं इंटेस्टाइन को। अच्छा तो जब इंटेस्टाइन ज्यादा दवा खा लेंगे तो इंटेस्टाइन पैरालाइज हो जाएगी, तो क्या होगा कि ना मूवमेंट बाहर जा रहा है ना मूवमेंट ऊपर आ रहा है, पेट फूल जाएगा आपका, जब इंटेस्टाइन मूवमेंट खत्म हो जाएगा, पैरालिटिक एलियस हो जाएगा, तो क्या होगा कि पेट फूल जाएगा आपका, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन हो जाएगा आपका,
तो उस कंडीशन में और प्रॉब्लम हो जाती है. एक तो बैक्टीरिया वहाँ पे जो वॉश आउट हो रहा था वो वॉश आउट नहीं हो रहा, वायरस जो था वॉश आउट हो रहा था वॉश आउट नहीं हो पा रहा, वो और प्रोलिफरेशन कर रहा है और एक विशेष सर्किल बन गया, वो और इंटेस्टाइन को इरिटेट कर रहा है, इंटेस्टाइन में और फ्लूड बन रहा है और डायरिया प्रोड्यूस कर रहा है. तो ये कॉम्प्लिकेटेड, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है. तो एंटीबायोटिक तो ले सकते हैं अगर बैक्टीरियल डायरिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर एंटी डायरियल जैसे आजकल मार्केट में कई एंटी डायरियल आ रहे हैं, अगर आप वो यूज कर रहे हैं, खासतौर से मार्केट में लोप्रामाइड बहुत यूज हो रहा है, उसको आप बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज कर रहे हैं, तो ये पेरिटिक एलियस वाली प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसमें फिर डिस्टेंशन हो जाएगा. यानी कि जो भी करें वो डॉक्टर की सलाह से ही करें, इसमें डॉक्टर की सलाह तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें. जी ठीक है, आप कर सकते हैं अपने आप भी, लेकिन डॉक्टर के बिना ना करें ज़्यादा अच्छा. जी अच्छा, और गर्मी के मौसम में हमें, हम डायरिया से और उसके वायरस से ही दूर रहें, उसके लिए हमें क्या प्रिवेंशन रखने चाहिए? मेन तो ये जो वायरस जो है फीकोरल रूट से ही फैलता है, फीकोरल रूट से मतलब कंटेमिनेटेड वाटर से या कंटेमिनेट खाने से ही फैलेगा ये. ठीक है, तो एक तो हमें ये देखना है कि खुला हुआ पानी नहीं पीना चाहिए, पानी साफ होना चाहिए. ठीक है, स्टिल और डिसइंफेक्टेड वाला पानी होना चाहिए. सीवर लाइन कहीं खुली हुई है, कोई नल का पानी है, कहीं रखा हुआ पानी है, या होटल वगैरह में गंदी जगह आप खाना खा रहे हैं, वो उस तरह का पानी प्योर होना, पानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पानी अगर ठीक है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी. पानी का भी ध्यान रखना गर्मियों में आपको, या हर जगह पानी ना पिए, और जहाँ अच्छा पानी मिले वही पानी पिए, और बाहर का खुला हुआ खाना, हाँ जो बैक्टीरियल डायरिया जो होती है, वायरल डायरिया बैक्टीरियाज भी होते ना, जो रखा हुआ खाना खा लिया आपने बाहर जाके, किसी ने चिकन आपको रखा हुआ खिला दिया, आइसक्रीम रखी हुई खिला दिया आपने, है ना, वो इन्फेक्टेड है उसमें ना, वो उसमें डिस्ट्रॉय हो गया, बैक्टीरिया वगैरह ग्रो कर गए उसमें, वो हानिकारक होते हैं. डॉक्टर साहब, इधर दूसरा रोग जो बहुत ज़्यादा देखने में आता है वो जॉइंटिस यानी कि पीलिया रोग जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या कारण है कि जॉइंटिस हो जाता है? अच्छा, एक तो इसलिए हमारे ये सोसाइटी में दो तरह से लोग पीलिया मानते हैं, एक तो अनिमिया हो जाता है आदमी को, उसे भी आदमी पीलिया कहता है. अच्छा, तो अनिमिया एक डिफरेंट चीज़ होती है. अनिमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है. बहुत से लोग उसकी कन्फ्यूजन कर देते हैं कि साहब ये ऐसा पीलिया हो गया हमें, वो चीज़ अलग है. पीलिया जो होता है लीवर में इन्फेक्शन से होता है. हम लोग जो यहाँ बात कर रहे हैं, वैसे पीलिया कई तरह का होता है जी. अगर मेडिकली हम बात करें तो पीलिया तीन तरह का होता है. अच्छा, एक हीमोलिटिक जॉन्डिस होती है, ठीक है, एक हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस होती है, एक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होती है. अच्छा, हम लोग जो बात कर रहे हैं हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस की बात कर रहे हैं जी. ठीक है, हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस क्या होती है, लीवर में इन्फेक्टेड इन्फेक्शन की वजह से होता है, और लीवर में इन्फेक्शन वायरस का ज्यादा होता है. अच्छा, ठीक है, हिपेटोट्रॉफिक वायरस होते हैं जो कि जॉन्डिस करते हैं. ठीक है, तीन चार तरह के वायरस होते हैं जो कि जॉन्डिस कर सकते हैं आपको. ए, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी और ई, ये पांच तरह के वायरस हैं जो कि रिकॉर्डेड हैं, ये पीलिया करते हैं आपको. और इनका जो इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन अलग अलग तरह से होता है. अच्छा, हेपेटाइटिस ए है फीकोरल रूट से होता है, हेपेटाइटिस ई है फीकोरल रूट से होगा. फीकोरल रूट का मतलब है कि गंदा खाना खाने से या कंटेमिनेटेड पानी पीने से, ठीक है, वो फैलेगा, वो आपके बॉडी में जाएगा, बॉडी से लीवर में जाएगा, और लीवर में इन्फ्लेमेशन करेगा वो, उससे कि आप पीलिया प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, और हेपेटाइटिस बी और सी जो होते हैं ये ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में होने आने से होता है. ठीक है, अगर आपने कंटेमिनेटेड ब्लड चढ़ा दिया, कोई इन्फेक्टेड आदमी है उसका ब्लड आपको चढ़ा दिया गया, तो आपके हेपेटाइटिस बी हो जाएगा, हेपेटाइटिस सी हो जाएगा. तो यानी कि अगर आप लोग जॉइंटिस को हेपेटाइटिस के नाम से पुकारते हैं. हाँ, हम लोग हेपेटाइटिस कहते हैं, जॉइंटिस तो एक सिम्टम हो गया. अच्छा, जॉन्डिस इज अ सिम्टम. ओके, ठीक है, अब मैंने बताया ना जॉन्डिस मेडिकल में तीन तरह का होता है, हेमोलिटिक जॉन्डिस, हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस. ठीक, जॉन्डिस इज सिम्टम, और उसकी इटियोलॉजी क्या, हेपेटोसेलुलर है, ऑब्स्ट्रक्टिव है या हेमोलिटिक है, ये डॉक्टर डिसाइड करेगा. बाकी हिस्ट्री लेके और जांचों से क्लियर होगा कि हेपेटाइटिस की वजह से पीलिया है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पीलिया है या हेमोलिसिस की वजह से पीलिया है. अच्छा, लीवर जो इतनी हमारे शरीर में, हेपेटाइटिस को बेसिकली हम लोग कहते हैं लीवर में सूजन आना, जो कि वायरस से भी हो सकता है और कुछ ड्रग्स से होता है जी. कुछ दवाइयाँ हम लोग खा लेते हैं उनकी वजह से भी हेपेटाइटिस हो जाता है. हम लोग जो बात कर रहे हैं जैसे गर्मियों में बताने, गर्मियों में जो पीलिया होता है वो हम लोग इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस की बात कर रहे हैं. अच्छा, अगर जॉइंटिस हो जाए और लीवर में सूजन आ जाए, लीवर इतनी इम्पोर्टेंट ग्लैंड है हमारे शरीर की पार्ट है, तो किस तरीके से इसकी रोकथाम की जाए? एक तो ये समझ लीजिए कि जो वायरल हेपेटाइटिस होती है, जैसे कोई भी वायरल डिजीज उसका कोई ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है, कुछ एक दो वायरस छोड़ के किसी भी वायरस का अगेंस्ट कोई ट्रीटमेंट अभी तक नहीं हो, मतलब इन्वेस्टिगेट हो पाया है अभी तक. सारी वायरल डिजीज होती है सेल मेंब्रेन डिजीज होती हैं, तो ये धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाता है. बट इसमें कुछ प्रिकॉशंस रखने हैं, जैसे पीलिया एक लेवल से ज़्यादा ना जाए. ठीक है,
या साथ में उसको मरीज को बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा है, मुंह से कुछ नहीं खा पा रहा है, बहुत ही ज़्यादा इल हो गया है, तो फिर डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए, उसमें अपने हिसाब से काम नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये जॉइंटिस की जो चेक है, जो आपने लेबल कहा, ये कैसे चेक होता है? ये पैथोलॉजी, ये ब्लड में टेस्ट करते हैं हम लोग, पैथोलॉजी में टेस्ट होता है, ठीक है। अगर 10 से ज़्यादा पीलिया हो जाता तो हम लोग कहते हैं कि इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अच्छा, मोर देन 10 अगर एक लेवल जो जो इसकी यूनिट होती है, नॉर्मली जो पीलिया होता है लेस देन 1 mg/% होता है बॉडी में, अगर ये मोर देन 10 mg/% हो जाता है तो फिर इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन इन द सेंस कि मरीज कभी कभी बेहोशी में चला जाता है। अच्छा, दूसरा कॉम्प्लिकेशन होता है कि जैसे कोगुलेशन फैक्टर्स जो होते हैं बॉडी में, खून जमाने के जो फैक्टर होते हैं वो लिवर में बनते हैं, थक्का बनाने जो फैक्टर्स होते हैं लिवर में बनते हैं, लिवर में सूजन ऑलरेडी, लिवर कम्प्रोमाइज है, वो थक्के वाले फैक्टर्स बनने कम हो जाते हैं, तो ब्लीडिंग के चांसेस हो जाते हैं कभी कभी। ठीक, तो ये सब चीज़ों को। अच्छा, जैसे आकर बच्चे पैदा होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें जनरली पाया जाता है कि सभी बच्चों को ये कहते हैं कि जॉइंटिस है इनको, वो जॉइंटिस किस कारण से? वो पता ना कि उसमें भी कैटेगराइज करना पड़ेगा आपको, बच्चों में जॉइंटिस कॉमन जॉइंटिस जो बताते हैं ना पीडियाट्रिशियन की, अभी जॉइंटिस फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस होती है, बच्चे से पैदा हो गए तो उसमें क्या होता है लिवर सिस्टम इतना मैच्योर नहीं होता है जी, तो जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं जो कि जो पिगमेंट्स होते हैं पीलिया पैदा करने वाले उनको कन्वर्ट करते हैं जो, वो उतने मैच्योर नहीं होते हैं, इफेक्टिव नहीं होते, इसलिए वो पीलिया हो जाता है। बट जैसे 7-8 दिन बाद या 10 दिन के बाद वो मैच्योर हो जाते हैं तो वो नॉर्मल फंक्शनिंग हो जाता है, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। अच्छा, इसमें फोटोथेरेपी वगैरह का क्या रोल है? हाँ, उसमें फोटोथेरेपी करते हैं, फोटोथेरेपी का बहुत हाई लेवल जब पीलिया हो जाता है तब उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जैसे 15 हो गया 20 हो गया, ज़्यादा पीलिया से ब्रेन में थोड़ा इफेक्ट होता है तो उसमें कर सकते हैं। वैसे जनरल रूटीनली है 4-5 पीलिया है, 10-12 पीलिया है, और बच्चा नॉर्मली दूध पी रहा है, आराम से खा पी रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा, तो कुछ नहीं करने की जरूरत, केवल धूप सिखा दीजिए आप उसको, वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, जैसे किसी को पीलिया हो रहा है, कई बार देखा गया है कि पीलिया आदमी को काफ़ी दिन से है, उसको आइडिया ही नहीं है कि मुझे पीलिया है, तो क्या इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, जो हम लोग बात कर रहे हैं इन्फेक्टिव डायरिया, वो तो जैसे वायरल इलनेस प्रेजेंट करती है वैसे प्रेजेंट करें, फीवर आएगा आपको, भूख नहीं लगेगी, उल्टी आएगी, ठीक है, पेशाब पीला आने लगेगा, आदमी पेशाब ज़्यादा नोट करता है, आँखें तो नहीं नोट कर पाता और आँखें पीली हो जाएंगी, ये कॉमन सिम्टम्स यही होते हैं, बुखार आना, भूख ना लगना, उल्टी आना, पेशाब पीला होना और आँखें पीली होना, ये ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स हैं इस बार जो वायरल डायरिया वायरल हेपेटाइटिस होती है। तो ये मेन सिम्टम्स रहते हैं, अगर ये सिम्टम्स आपको लगातार बने हुए हैं, अगर बने हुए तो आप अपना डॉक्टर से कंसल्ट कर जाइए। आपने पीछे डायरिया में भी उधर जॉइंटिस में भी ये बताया कि कुछ दवाइयों के रिएक्शन से या उनका एक जो ड्रॉबैक है दवाइयों का, साइड इफेक्ट्स होते हैं, साइड इफेक्ट्स जो हैं वो डायरिया को या जॉइंटिस को में कन्वर्ट होते हैं, ये किस तरीके से होता है? बहुत सी मार्केट में जैसे डायरिया जो होता है ना, बहुत सी दवाओं से हो जाता है, जो दवाइयाँ क्या होती हैं इंटेस्टाइन में जाके जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो जो एक सिम्बायोटिक एक्टिविटी जो इंटेस्टाइन में बनी वो ख़त्म हो जाती है, तो जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो डोमिनेट कर जाते हैं। नॉर्मल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होते हैं जो कि हम लोग फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, वो जो वह इन्वायरमेंट है उसको कंट्रोल किए रहते हैं, बट जब वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एंटीबायोटिक्स, तो जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो ओवर डोमिनेट कर जाते हैं, तो वो इस तरह डायरिया प्रोड्यूस कर देते हैं, वहाँ पे डायरिया को प्रोड्यूस कर देते हैं। तो मतलब अगर हमने दवाई खाई अगर साइड इफेक्ट है तो इसको कैसे रोक सकते हैं, या डॉक्टर्स कुछ दवाइयाँ ऐसी देते उसको हैं उसको, आप दवा को कम कर सकते हैं, डोज कम कर सकते हैं, या दवा चेंज कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो। अच्छा, लेकिन क्या कुछ डॉक्टर्स मतलब उन्हें पता होता है कि इस दवाई से ये साइड इफेक्ट होने वाला है तो वो उसकी भी एंटीडोज भी दे के चलते हैं साथ? नहीं, ऐसा नहीं है, उसको मरीज को बता देते हैं कि इससे ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप अगर प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दीजिए उसको, ठीक है। अगर लगता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, जैसे मान लो कोई एंटीबायोटिक है, वो एंटीबायोटिक आपको देनी है मरीज को ठीक करने के लिए, आप बंद तो नहीं कर सकते उसको, तो उसकी जगह हाँ कुछ एक दो दवाइयाँ मार्केट में आती हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेट्रोनिडाजोल आता है वो आप ऐड कर सकते हो, साथ में कुछ जो नॉर्मल फेंट्री बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस वगैरह होते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं उसके साथ। अच्छा, उससे थोड़ा सा क्योर हो जाता है। सपोज कर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही तो आप उसे बंद कर सकते हैं, अल्टरनेटिव ड्रग यूज कर सकते हैं। ठीक, पीलिया में एक चीज़ बहुत कॉमन देखी जाती है और काफ़ी लोग तो इसी पर डिपेंड करते हैं कि जॉइंटिस आपको हुआ, जैसे ही पता लगा कि घर में पीलिया रोग है तो वो झाड़ फूंक का और पीलिया उतरवाने का सिलसिला शुरू हो जाता है, ये क्या चीज़ है? देखिए, ऐसा है कि जो वायरल इलनेसेज होती हैं दे आर ऑल सेल्फ लिमिटिंग, 99% क्योर हो जाती हैं,
हम जो बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस की, अगर वायरल ओरिजिन की है वो, तो 99% ठीक हो जाएगी वो। अब वो अलग अलग वायरस के लिए अलग कोर्स होता है, अलग अलग उसका टाइम कोर्स होता है, कितने टाइम में वो ठीक होगा। कुछ 15 दिन में ठीक हो जाती है, कुछ महीने में ठीक हो, 2 महीने में ठीक होती है। 99% तो ठीक हो जाते हैं। 1% केसेज में चांसेज होते हैं कि साहब कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया, बेहोशी में चला गया, या कोई ब्लीडिंग हो गई उसको, या कोई और कोई इन्फेक्शन हो गया, कुछ और प्रॉब्लम हो गई। तो अब झाड़ फूक करवा लीजिए या ना करवा लीजिए, कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। झाड़ फूक से रहता है, साइकोलॉजिकल आपको रहता है कि मेरा इलाज हो रहा है। नहीं तो क्या मतलब डॉक्टर के पास जाते हुए साइकोलॉजिकल नहीं रहता कि इलाज हो रहा है? अब वही बता रहा हूँ ना कि जैसे पीलिया है, मतलब महीने भर में ठीक हो रहा। अब आदमी का क्या है कि सब 2 दिन में ठीक होना चाहिए, फर्क नहीं पड़ रहा, पीलिया बढ़ रहा है हमारा, कम नहीं हो रहा है। नहीं, हमने सुना है कि जो झाड़ फूक करने वाले हैं वो जब इंसान के जो पीड़ित इंसान होता है पीलिया से, उसको जो उतारते हैं वो पानी में हाथ धोते हैं तो पानी का रंग पीला होने लगता है। अब वो जो भी टेक्निक्स इस्तेमाल करते हो उसके लिए, तो वो बताते हैं कि देखिए तुम्हारा जो पीलापन है, पीलिया है, वो इस पानी में आ रहा है। ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं है कहीं ना, कोई बताता है? अगर ऐसा ही है तो हर आदमी झाड़ फूक करने लगे, फिर डॉक्टरी बोलने जरूरत ही क्या? नहीं, साइकोलॉजिकल पेशेंट को बेनिफिट होता है, मरीज को साइकोलॉजिकल बेनिफिट होगा, मेरा इलाज हो रहा है, मेरा पीलिया देखो पानी पीला हो गया, मेरा पीलिया कम हो गया। और जबकि वो आपने जैसा कहा कि वो इंफेक्शन है, वो धीरे धीरे अपने आप ही ठीक होता रहता है, और पेशेंट को लगता है कि वो झाड़ फूक कराने से ठीक हो गया, जबकि उसका कोई भी रोल उसमें नहीं है। बहुत ज्यादा रोल तो ऐसा कुछ नहीं, बस साइकोलॉजिकल बेनिफिट रहेगा आपको कि मेरा इलाज हुआ, डॉक्टर वहाँ गया, मेरा पीलिया उतारा गया, पानी पीला हो गया, या मुझे दौरा पहना दिया गया है कुछ, या पत्ते नीम के पत्ते झाड़ दिया गया, ये थोड़ा सा रहता है। जब लिवर इन्फेक्टेड हो जाता है और लिवर सूज जाता है, लिवर का काफ़ी हिस्सा उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, तो इसमें जो समय लगता है, लेकिन क्या लिवर इसमें डैमेज होने की भी आशंका रहती है? 99% चांस तो नहीं रहता है, लेकिन 1% चांस रहता है। हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी, सी और डी, तीन वायरसेस ऐसे हैं जो लिवर को परमानेंट डैमेज कर सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत ही 1% केसेस में, 99% केसेस में नहीं। फिर भी देखा जाता है कि जॉइंटिस के पेशेंट्स में डेथ भी, डेथ काउंटिंग भी देखी जाती है। मैंने बताया ना कि क्यों है ऐसा, वो मैंने बताया ना कि पीलिया अगर एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर मरीज का है बेहोशी में जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि लिवर इतना ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है उसका कि वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है। जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं बॉडी में, जैसे अमोनिया है, अमोनिया से लिवर का काम क्या होता है, जो बॉडी में हम लोग प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन जो इंटेस्टाइन में जाती है, वहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो वहाँ जो प्रोटीन से अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं, वो अमोनिया ब्लड में जाती है। अमोनिया या टॉक्सिक मटेरियल जो कि लिवर में ही यूरिया में कन्वर्ट होता है, यूरिया जब लिवर से कन्वर्ट होकर वो यूरिन के रास्ते निकल जाती है। लेकिन क्या होता है कि जब लिवर ऑलरेडी कंप्रोमाइज है, वो काम नहीं कर पा रहा बिल्कुल, तो वो उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, तो ये अमोनिया का लेवल एक ज्यादा हो जाता है तो ये ब्रेन पे जाकर अटैक करता है, ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है और आदमी बेहोशी में चला जाता है। यानी कि लिवर जो है अपना काम अगर छोड़ता है तो उससे जो टॉक्सिसिटी पैदा, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है बॉडी में इकट्ठे होते रहते हैं, वो इंसान की डेथ के ज्यादा कॉज बनते हैं, वो मेन कॉज होता है। तो आपका क्या कहना है कि गर्मियों में हम लोगों को तमाम बीमारियों से बचने के लिए अपने पानी, खान पान पर? हाँ, मेन तो अपना जो खाने का तरीका है वो उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। पीने का पानी आप कहाँ से यूज कर रहे हैं, और खाना खुला हुआ तो बिल्कुल ही ना खाएं, रखा हुआ खाना है, खुला हुआ खाना है, और रखा हुआ भोजन भी ना यूज करें। लोग देखे तो एक दिन पुराना चावल खा लिया, एक दिन पुराना मीट रखा हुआ खा लिया, या आइसक्रीम रखी हुई खा ली, वो सब नहीं करना चाहिए। फ्रेश चीज़ खाएं ज़्यादा बेटर रहेगा। और पानी का तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना, कंटेमिनेटेड वाटर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, खासतौर से जो म्यूनसिपलिटी का पानी आता है, सीवर लाइन से कंटेमिनेट हो जाता है, उसका चीज़ का ध्यान रखना, पानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। तो दोस्तों